जय श्री राधे। देवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। आइए सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वाले कारोबार, व्यापार, जगत क्षेत्र आदि से सफलता प्राप्त होगी। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वाले व्यक्ति कोई लाभान्वित योजनाएं मन में आ सकती हैं, अजनबी लोगों से भेंट हो सकती है, धर्म के प्रति विशेष रुझान होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति माता पिता भाई आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति जमीन इत्यादि का क्रय विक्रय, वाहन खरीदने के योग संयोग बन सकते हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग आपके साथ बन रहे हैं। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के मानसिक तनाव, बेचैनी, उतार चढ़ाव आपको आज के दिन रह सकता है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति आपको आज कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति या किसी पूर्व से पद पर प्रतिष्ठित हो तो नए पद की प्राप्ति हो सकती है। इसमें और विशेष सफलता प्राप्ति के लिए आपको चाहिए अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना, विशेष श्रेष्ठ शुभ कार्य रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार श्रेष्ठ चलेगा, कारोबार की गतिविधियां आपकी तीव्र गति ला सकती हैं। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति आज आपको कोई घटना घटने की स्थिति बन सकती है, सचेत सतर्क सावधान रहें, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति व्यापार श्रेष्ठ, भूमि इत्यादि से संबंधित क्रय विक्रय पर विशेष लाभ प्राप्त होगा, बच्चों को लेकर के कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हो अथवा विद्या अध्ययन जैसे कार्यों में विशेष रुचि होगी। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्त्री पक्ष से लाभ, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इत्यादि जैसे कार्यों में कोई नई गतिविधियां प्राप्त हो सकती हैं, अटके हुए काम सिद्ध संपन्न होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।